में राष्ट्रपति पुतिन ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहाके लगाकर हंस पड़े। Мне предложили джи фред. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. Хамари это риште хе, ки муже эсе лага ки апко кое ану вад нэйн чайе. Prime Minister India, आपने आपको सही position में ले आया कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं। रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर समझ रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं। और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया, हमें आप जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को हौसला दे रहे थे, हमारे यहाँ सिर्फ हौसला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू जो पप्पू भाई है उनका उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है एक्चुअली, तो ये जो ब्रिक्स का समिट है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पे पुतिन भी होंगे, वहां पे शी जिनपिंग भी होंगे और अपने मोदी जी तो होंगे, बाकी भी हेड ऑफ स्टेट होंगे, लेकिन मतलब वो वाकई में वो चीज दे रहे जो वो प्रिविलेज दे रहे हैं, वो आप कह लीजिए उस तरीके का भाव दे रहे हैं हम लोगों को, वरना रशियंस किसी को जल्दी भाव नहीं देते, इतना किसी को नहीं देते। पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, पुतिन ने तारीफ कर दी, बोला कि मोदी जी सिर्फ एक ही हेड ऑफ स्टेट है पूरी दुनिया के जो ये कोशिश कर रहे हैं कि यार ये लड़ाई खत्म। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना, रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं बड़ा पुराना दोस्त है, ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने रशिया के लिए ये कह दिया और पाकिस्तान के लिए ये कह दिया। कसूर हमारा है, देखिए हमने उस लेवल पे हमने अपने आप को उस लेवल तक लेकर ही नहीं गए कि दूसरी कौमों की दूसरी मुल्कों की मजबूरी बन जाए, हमारे जरूरत बन जाए कि वो हमारे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को जो है वो बहाल रख सके या किसी हर हाल में। इंडिया ने और चाइना ने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि एक तरफ आके होते हुए भी वो एक दूसरे की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, ये बड़ी हट के बात की है, मतलब मेरी सोच से भी जरा हट के बात की है कि नो डाउट पाकिस्तान को इस पोजीशन पे स्टेज पे अपने आप को खड़ा करना चाहिए था कि दुनिया का कोई कंट्री चाहे मुखालफत रखता है पाकिस्तान से चाहे दोस्ती रखता है, लेकिन पाकिस्तान उसकी जरूरत होता, मजबूरी होता, जैसे इंडिया की इस टाइम पूरी दुनिया की अगर बात करें, इंडिया पूरी दुनिया की जरूरत है ट्रेड के हवाले से, चाइना पूरी दुनिया की जरूरत है, तो हम भी अगर इस तरीके से होते तो शायद इंडिया अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे, तो मैं चाहती नहीं कि दुश्मनी होती है इस तरह, लेकिन होती भी तो मेरे ख्याल से ट्रेड जरूर हो रही होती कि हमारे पास कुछ होता तो सही। इसकी अभी मीटिंग मोदी साहब की जो बड़ी जबरदस्त थी, जो मैंने उसमें से एक जोक पिक किया अपने देखने वालों से शेयर करूंगा, रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर समझ रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं। और मैं दिस इज हाउ द बॉडी लैंग्वेज, आपने मोदी साहब ने अपना ट्रेडिशनल जफरी डाली जाके, वो ट्रेडिशनली है जहाँ जाते हैं, ये उसकी अपडेट थी ब्रिक्स की। दूसरा इसमें जो अब मैं बात करूंगा कि आपके जो आपके हालात क्या है, आपके हालात ये हैं आरजू के, कहां आपने एक दो तकरीरें मैंने आपके लेजिस्लेशन की सुनी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने की है उमर अयूब साहब की है, और दूसरी मैंने ख्वाजा आसफ साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। मुझे ख्वाजा आसफ साहब की स्पीच बड़ी जबरदस्त लगी, उमर अयूब साहब ने मुसलसल हमले किए, दो फिक्रे में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, दो फिक्रे में उनके भूल नहीं पाया। एक उन्होंने ये कहा था कि वक्त का पहिया जो है वो बड़ी तेजी से चल रहा है, मैं उसकी तेजी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई वक्त का पहिया बड़ी तेजी से चल रहा है। और दूसरा उन्होंने अब गिले किए, उन्होंने कहा जी मेरे फलाने एमएनए का घर तोड़ दिया गया, फलाने का पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया, फलां का ये बिजनेस खत्म कर दिया गया, लेकिन और उन्होंने कहा कि कुछ एमएनए को चौथे फ्लोर असेंबली के अंदर उन्होंने बंद कर रखा। उन्होंने एक और बड़ा तारीखी फिक्रा, उन्होंने कहा एक पाव गोश्त के लिए आपने पूरी भैंस काट दी, बड़ा इतिहास किया। लेकिन जब साथ ही ख्वाजा साहब बोले तो उन सारे सवालों का जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि आज भी अमरीका और पाकिस्तान, अमरीका में जाके जो इमरान खान के फिक्रे थे
कि मैं नवाज शरीफ का एयर कंडीशन और टीवी बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भैया चीखें निकल रही हैं तुम्हारे, फलां कर दिया फलां कर दिया। उन्होंने कहा इस हाल के अंदर नवाज शरीफ बैठा है जिसको अरेस्ट किया गया, उसका भाई भी जेल में था, उसका भतीजे दो जेल में थे, उसकी बच्ची भी जेल में थी, उन्होंने कहा ख्वाजा साहब खुद जेल में था, हनीफ अब्बासी जेल में था, राणा सनाउल्ला जेल में था, मिफ्ता इस्माइल। तो वाकई भैया बहुत जल्द बहुत जल्द वो तो जस्ट इन चीजों को मोदी साहब को भी पता होगा रशिया का क्या वर्जन है और उनको भी पता होगा रशिया का इंडिया का क्या वर्जन है। सो ब्रिक्स को एक्सपैंड करना है या नहीं करना, मेरा ख्याल है कि अभी इंडियंस कहेंगे नहीं ब्लॉक कर दे, इंडियंस कहेंगे ब्लॉक कर दे। अगर हमने ब्रिक्स को अंदर मेंबरशिप बढ़ा दी तो इसके रॉन्ग मीनिंग चला जाएगा। सो ब्रिक्स की मेंबरशिप ना बनाओ, ये बायलैटरल मीटिंग में मोदी साहब के एंड पुटिन के 100% डिस्कस हुआ होगा कि बायलैटरल अभी लोगों की जो जो है ना एंट्री ना करो, जो पांच लोग ममालिक हमने एंटर कर ली है वही बहुत है, अभी साइड पे खड़े रहने। ये चीज जो है वो इंडियंस को सूट करती है, रशियंस को नहीं सूट करती, क्योंकि रशियंस चाहेंगे एक्सपैंड हो। मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो, मैं बताऊं अमेरिका को कि देखो तुम मेरे पे पाबंदियां लगा रहे हो, हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना जी। मैं बताऊं अमेरिका को तुम क्या कर रहे हो। सो ये चीज है इस हवाले से, एंड आई अंडरस्टैंड। सो मुझे ये चीज जो मुझे समझ आ रही है, बहरहाल अभी देखते हैं कि हाउ थिंग्स अनफोल्ड, हाउ थिंग्स गो और कैसे चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो चीज़ वो जिसे कहेंगे ना कि मेरी समझ में है, या जो चीज़ मैं रीड कर रहा हूँ मोदी साहब और पुतिन साहब जो हैं उनके एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पे डिफरेंट व्यू हैं। मोदी साहब अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एज ए मेजर प्लेयर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर, और उन्होंने कहना है कि देखो हमने चीन के साथ भी अपने मसले हल कर लिए, ठीक है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है जब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चाइना के साथ ठीक हो रही हैं। जब चाइना के साथ ख़राब थी तो बाकी सारी ठीक थी, मालदीव भी ठीक था, बांग्लादेश भी ठीक था, श्रीलंका भी ठीक था। अब जब वो ख़राब हो रहे हैं, चीज़ें फर्दर अनफोल्ड हुई हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो। लेकिन इस पर सवाल एक है आज, ठीक है, क्या पाकिस्तान इससे आगे चल पाएगा? इस वक्त 3 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में नहीं जा रहा, कुछ आप, नहीं कुछ नहीं। आप आगे इन 346 एमएनए आपके वहां बैठे थे, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, काश उन्हें एहसास हो कि 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 4 करोड़ खैरात मांग रहे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर। उसके बाद एक आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरे एक प्रोग्राम मेरे जेहन से गुजरा है, कल मैंने जब अखबार पढ़ रहा था पाकिस्तान के न्यूज, आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका नाम रखा है पंजाब की धीरानी, कि हर बच्ची का पंजाब में जिसकी शादी होगी उसको 1,00,000 रुपया कैश दिया जाएगा, खाना और फर्नीचर के कपड़े दिए जाएंगे। साथ ही मुझे मेरी नजर से आपकी टाटा के एक प्रोग्राम मेरे जहन से गुजरा है, क्योंकि आजकल मैं रतन टाटा की वजह से टाटा पे ज्यादा फोकस हूं। टाटा के अंदर इस वक्त फैक्ट्रियां हैं और वहां पे 2 SUVs जो बनाने के लिए उन सिर्फ और सिर्फ खवातीन, सिर्फ औरतें बनाती हैं। 1,00,000 रुपया बिल्कुल देना, आपका क्या ख्याल है 1,00,000 एक कुंबे के लिए, एक औरत के लिए कितने दिन चलेगा? जब 1,00,000 रुपया खत्म हो जाएगा फिर क्या होगा? क्यों नहीं ये 346 एमएनए और आपके चलाने वाले इन चीजों पर जोर देते? क्या वजह? अपने बच्चे लंदन पढ़ाते हो, कौन के बच्चे गाना, और 1,00,000 की क्या वैल्यू है आजकल के जमाने में? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं वैल्यू। किसी रेस्टोरेंट अच्छे में खाना खाने जाएं तो 30,000 रुपए बिल आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। 2 दफा आप बड़ी गाड़ी का पेट्रोल डालें तो 1,00,000 रुपए खत्म हो जाता है। लेकिन उन औरतों को क्यों नहीं आगे लेके आया जाता, क्या वजह? लेकिन चले इसके, मैं समझता हूँ कि आज हमारा अच्छा रहा प्रोग्राम और डेफिनेटली इसके बाद अपडेट करेंगे। अभी 5 नवंबर है, मैं 5 नवंबर तक फिर मुसलसल आपको बताता रहूंगा। रिसेंटली 2 चीजें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की जो इस वक्त बहुत पॉपुलर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वीकेंड के ऊपर मैकडोनाल्ड पे काम किया है। दूसरा मैकडोनाल्ड की 2012 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मैकडोनाल्ड की एक एड में काम किया था, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मशहूर थे कि व्हाइट हाउस में अपने मेहमानों को भी कई दफा क्वार्टर पाउंडर बर्गर मंगा के सर्व करते थे, फ्रेंच फ्राइज उन्होंने सर्व की, और उन्होंने कहा कि कैमला हैरिस झूठ बोलती थी। अब मैंने आज कैमला हैरिस से 15 मिनट ज्यादा काम किया है। दूसरी तरफ
बात यह थी कि कैमला हैरिस की 60th बर्थडे थी, जिसपे उन्होंने स्टीवी वंडर का गाना लगा के उसको सेलिब्रेट किया है, वहां से निकली हैं। तो एल शार्पटन एक न्यूयॉर्क के एक है लीडर है सियासी, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है। एक दूसरे के ऊपर ताबड़ताड़ हमले कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं। स्विंग स्टेटों के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा शोर देखा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन वहीं पे होगा ज्यादा से ज्यादा। अगली दफा हम आएंगे तो आपको एक काउंटी, विस्कॉन्सिन की एक काउंटी है जिसके बारे में ये मशहूर है, वो हमेशा प्रेसिडेंट का डिसीजन होता है वहां से। उस काउंटी के बारे में मशहूर है कि वो उस काउंटी को जो जीतेगा वो विस्कॉन्सिन जीतेगा। ब्रिक्स को लेके पुतिन साहब से सवाल किए गए, भारतीय सिनेमा को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ब्रिक्स नेशंस में अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि रशिया इज द बिगेस्ट फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, और आप तो रिसेंटली गए भी थे, तो इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक दिन ऐसी बातचीत हो रही थी, हमारी जो यूनिवर्सिटी है इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो उसमें हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन स्टडीज। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि वी कैन हैव अ टाई अप और समथिंग लाइक दैट। आप विश्वास नहीं करेंगी, उन्होंने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स दिया। हमारी यूनिवर्सिटी का टाई अप हो चुका है मॉस्को स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से, जो 118 साल पुरानी स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द प्रीमियर वन। दे आर सेइंग कि आप अपने बच्चों को 6 महीना भेजिए, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, हम उनको जो रहने का जो उनका एक्सपेंडिचर है वो $7 a month क्या होता है, अगर 80 रुपए भी लिख ले 560 रुपए में मॉस्को में आपको एक 6 महीने के लिए वो रहने का वो दे रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं। एंड दे हैव टेकन सो मच। मैं करीबन 6 यूनिवर्सिटीज में गया, हर यूनिवर्सिटी ने मेरे टॉक को कवर करा, मेरे इंटरव्यू को कवर करा, उन्होंने अपने वेबसाइट के पेज पे डाला। सो दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया। और उनकी एक प्राइवेट रिसर्च सेंटर है जो कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर में आती है। उसका रीजन ये है कि चूंकि ये लोग काम करते हैं जो रशिया के गन में सैंक्शन लगे हुए हैं, उन सैंक्शन से कैसे इंडियन रशियन एसेट्स को बचाना है, उस लॉ पे ये लोग काम करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा, हमारी मीटिंग हुई वीसी सर के साथ, उन्होंने कहा कि हम लोग फैसिलिटेट करेंगे इंडिया के साथ ब्रिक नेशन के अंदर में ये टाइप को करने के लिए। सो मतलब वो वाकई में वो चीज दे रहे हैं जो ऑप्शंस दे रहे हैं, या आप कह लीजिए उस तरीके का भाव दे रहे हैं हम लोगों को, वरना रशियंस किसी को जल्दी भाव नहीं देते इतना, किसी को नहीं देते इतना। But the way they are going forward, all the way. Prime Minister India, आपने आपको सही position में ले आया कि भाई साहब वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो रशिया के साथ शुरू से खड़े हुए हैं और रशिया हमारा दोस्त है, हमें किसी ने चीट नहीं किया। हमें आप जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर को असला दे रहे थे, हमारे ये सिर्फ असला रशिया से आ रहा था, ये कहता है जयशंकर। आज वेस्ट को जब डॉक्टर जयशंकर हिस्ट्री लेसन देता है, वो कहते हैं अच्छा अच्छा हम उस वक्त पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटरों को असला दे रहे थे, उस वक्त हमें ये सूट करता था, आज आपको क्या सूट करता है? आज आपको इंडिया को असला देना सूट करता है, तो आप फिर हमें ना कहें कि आपने अगर 4 बंदूकां 2 राइफल 3 पिस्तौल 1 कदा कोई टैंक टोंक देता है हमें, कुछ शिप शुप देती है, कोई 2 ड्रोन देते हैं, तो आप कहें जी आप रशिया से पीछे हट जाए, हम नहीं होंगे। हमारा उन्होंने रशिया कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं गया। तो बात तो सही है, पूछो कैसे वो ऐसे कि कश्मीर के मसले में इट वॉज इंडिया जिसकी सपोर्ट हमेशा रशिया करता था। आपको पता है अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था कश्मीर के मसले के ऊपर, कश्मीर में, क्योंकि अमेरिकन को भी पता था कि रशियंस ने वीटो कर देना। जब भी कोई कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन आता था तो रशियंस वीटो कर देते थे। और आज देख ले पाकिस्तान कहां खड़ा है, ना साडा अमरीका रहा ना साडा रशिया। इंडिया कम से कम ये तो कह सकता है कि रशिया हमारा है पिछले 50-70 साल से, आज अमरीका के भी हम करीब हो रहे हैं और हम किसके साथ खड़े हैं। ये भाई साहब बात है, ये स्टोरी है, और ये आप समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक चीज है जिसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। कोई पैगाम अभी तक इनिशियली जो बायलैटरल्स में आनी है, देखिए बायलैटरल में आप देखें ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक एज ए डिप्लोमेट भी एमर्ज हुआ है, ठीक है, उसने डिप्लोमेसी में भी अपनी स्पेस बनाई है, ठीक है। अब ये जो चीज है कि असला हमें सिर्फ और सिर्फ रशिया देता था, तुम हमें क्या देते हो, बेसिकली वो उनके लिए मुश्किलात हैं इस वक्त जो फॉर द वेस्ट। एक तो इंटरनल डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है, रशिया की लड़ाई है, दुनिया के बाकी मुल्कों को साथ मिलाना पड़ता है तो मुश्किल होती है, मुल्क साथ नहीं देते। और वो साथ इसलिए नहीं देते, वो कहते कि गाल
पूरी दुनिया में इस वक्त जिस एक समिट की बात हो रही है वो है ब्रिक्स। लेकिन हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि ऐसा लगा है कि जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं, इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। देखिए वो तो अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। जब उतरे हैं तो वो फुल टाइम भारी भरकम फौजी जवान वहां पर मौजूद थे रशिया के, जिन्होंने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको रिसीव किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ है कि फिर वो डायस्पोरा से मिले और डायस्पोरा ने उनको वहां पर इंडिया के गीत गाए हैं कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना उनको साथ रखा जाता है। वहां पे डांस जरूर होता है इंडिया का, खासतौर पर कथक या भरतनाट्यम रक्स है वो पेश किया जाता है। तो ये देखिए वो वहां पर पेश किया गया और अपने ही अंदाज में एक किया गया। अच्छा, फिर वो पीएम मोदी और जो पुतिन है उनके दरमियान मुलाकात हुई है। पुतिन ने सबको ग्रीट किया है क्योंकि जो जो भी वहां पर पहुंचा तो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से उनको वो उनको लेकर जा रहे हैं। ये मुझे सबसे मजे की तस्वीर एक तो ये लग रही है और दूसरा मुझे ये देखें, ये भी बड़ी जबरदस्त तस्वीर है। ये इसमें पीएम मोदी इशारा कर रहे हैं जबकि इसके अंदर जो है ना ये प्रेसिडेंट पुतिन इशारा कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, आप कॉमेंट में जवाब दीजिएगा कि ये क्या हो क्या रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये है दास्तान। लेकिन देखिए कि जो ये है ना सिचुएशन, इसके बारे में कुछ जो सवाल इस वक्त उठाए जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन की एक तो ये कि ये जीत है कि उन्होंने वो उनको वेस्ट की तरफ से आइसोलेट नहीं किया जा सका, कोशिशें की गई, लेकिन 36 से ज्यादा दुनिया के बड़े लीडर्स इस वक्त रशिया में ब्रिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। इससे ज्यादा बढ़कर इसमें ये बात की जा रही है कि ये एक क्या इकोनॉमी का टिल्ट है, क्या ये वेस्ट को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है,